इस सवाल में आपसे क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%, अमाउंट कितना हो गया, 8112, तो बताइए ये कितने साल में हुआ होगा, मतलब टाइम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है कि ये कैसे हो सकता है, कि जब हमने कहानी शुरू की थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो हमने कैसे शुरू की थी कि हम बॉक्स से बनाते थे, पहले बॉक्स बनाना शुरू करते थे, तो वो बॉक्स बनाने का जो कारण होता था कि वो दो स्टेप्स बनेंगे या थ्री स्टेप्स बनेंगे, वो टाइम के हिसाब से ही होता था। अब यहाँ पर जो है टाइम ही नहीं मालूम है, तो हमने सोचा चलो ठीक है भाई, कम से कम दो या तीन बॉक्सेस तो आप बना ही सकते थे ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आपने तीन बॉक्सेस बना दिए, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि अगर ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वही तो इंटरेस्ट होता है, तो वो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 8112 और 7500 का डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, 612। इसका मतलब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 612 है, और यही 612 जो है वो इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए, और यही 612 जो इस बॉक्स के अंदर आएगा, तो जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस में आएगा उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि टाइम कितना लगा होगा, ठीक है। अब होगा कैसे कि 7500 रुपये का 4% हम निकालेंगे, जो कि कितना आएगा, 300। अगर यहाँ पर 300 है तो यहाँ भी 300 होगा, बट अगर जैसे मैं यहाँ पर 300 पुट करूँगा तो मुझे लगेगा यार ये तो मैंने 900 कर दिया, और मेरा इंटरेस्ट तो कितना है, 612 ही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीसरे साल का बॉक्स तो नहीं बनेगा किसी भी हालत में, ये बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, अब हमने बोला चलिए ठीक है ये 300 है, अब यहाँ जो आता है वो भी कितना आता है, 4% आता है किसका, 300 का आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 12। हमने इसका टोटल देखा तो वो कितना आ रहा है, 612 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 7500 का 4% के हिसाब से जो 612 रुपये का इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 2 साल में, और यही इस सवाल का क्या है, जवाब है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, तो कभी भी अगर आपको टाइम वाला सवाल आए तो आपको प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया गया है तो आप बॉक्स फिल करते जाइए, आपको जितना CI चाहिए वो जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस में आ जाए उसके हिसाब से आप बता दीजिएगा कि टाइम कितना लगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो सवाल आसान सा था, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया कि प्रिंसिपल कितना है, 15000, टाइम कितना है, 2 साल, CI और SI का डिफरेंस कितना है, 96, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपने बोला भैया टाइम तो 2 साल है, तो 2 साल का बॉक्स बना देते हैं, ये चीज़ आ गई। अच्छा, CI और SI का अंतर कितना है, 96 है। अच्छा, CI और SI का अंतर मतलब डिफरेंस 96 है, वो भी 2 साल का, तो वो आपको मालूम है कि वो यहाँ आता है, ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये है 15000, अब 15000 का कुछ परसेंट हम निकालेंगे वो यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ पर जो आएगा उसका कुछ परसेंट हम निकालेंगे तो वो यहाँ पर 96 आना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं है कि R क्या है, तो मैंने मान लिया कि भाई 15000 का अगर मैं R परसेंट भी निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 150R, ये कितना हो जाएगा आपका 150R, तो ये हो जाएगा 150R, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये क्या मिलेगा, 150R, और यहाँ पर जो 150R आएगा उसी का अगर मैं R परसेंट निकाल दूँ तो वो क्या आना चाहिए, 96। तो 50 से अगर इसको कैंसिल करें तो 3 और ये 2, 3 से इसको कैंसिल करें तो 32, तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, R², और ये आपको मिल जाएगा कितना, 64। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको R की वैल्यू क्या मिलेगी, 8%, और यही आपका इस सवाल का क्या है, जवाब है। इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि आपके पास जैसे मान लीजिए 7%, 8%, 9%, 10% ऐसे ऑप्शन दिए गए हों, ठीक है। तो आपको देखना है कि 15000 का अगर आप 7% निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1050, फिर उसका अगर आप फिर से 7% निकालोगे तो वो 73 के आसपास आना चाहिए, तो आपको तो 96 चाहिए, तो 7% तो नहीं हो सकता। अगर आपने 8% निकाला इसका तो वो यहाँ पर आएगा आपका 1200, और जैसे ही 1200 का आप 8% फिर से निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 96। तो आप ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते थे इसको, ठीक है। बाकी आपको मेथड भी आने चाहिए, और कुछ लोग के पास फॉर्मूले होते हैं, वो सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो जिनको फॉर्मूले मालूम है, जो फॉर्मूला याद करके जा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बिल्कुल फ्री जाना चाहते हैं एग्ज़ाम में,
जो ये सोचते हैं कि हम तो जाके वहाँ पर सीधे सॉल्व कर देंगे और उसमें भी हमें समय कम लगता है। ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि भैया अगर ये आर परसेंट है तो इसका आर परसेंट कितना होगा, 150 आर होगा। 150 आर का आर परसेंट जो होगा वो मुझे 96 दिया गया है, बस आर की वैल्यू निकालनी है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको अब बोल रहा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा अगर टाइम 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12.5% है पहले साल के लिए, 10% है दूसरे साल के लिए और 25% है तीसरे साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका लग रहा है वो एनुअली लग रहा है और आपका जो CI है 3 साल का वो है 1750 रुपये। तो प्रिंसिपल निकालना है इसमें। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, एक तरीका तो आपका ये है कि आप प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है तो आप यहाँ प्रिंसिपल को 100 मान लीजिए, फिर उसको 12.5% यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पर 10% पुट करिए, यहाँ पर 25 करिए, फिर इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा 10%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसका मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ जिससे आप इसको और आसानी से कर सकते हो। तो वो क्या है वो मेथड, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे क्या बोला कि फर्स्ट ईयर का जो आपको इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा 12.5%, सेकेंड ईयर का कितना मिलेगा आपको 10%, और थर्ड ईयर का कितना मिलेगा आपको 25%। तो आपको ये समझना है कि इसका मतलब क्या होता है 1/8, इसका मतलब क्या होता है 1/10, इसका मतलब क्या होता है 1/4। अब फ्रैक्शनल वैल्यू तो आपने लिख ली, बट इसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है ना, परसेंटेज का एप्लीकेशन आप SICI में कैसे लगाएंगे, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो अपने को समझना है। तो अपने को ये समझना है कि अगर आप 8 रुपये लगाओगे तो उस पर आपको 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो 8 रुपये लगाओगे, इसका मतलब अगर आपने 8 रुपये लगाए तो आपको मिलेगा कितना, 9। बात समझ में आ रही है, मतलब 8 आपने लगाया मतलब ये आपका क्या है प्रिंसिपल, और आपको मिला 9 मतलब ये आपका क्या है अमाउंट। बात समझ में आ रही। उसी तरह से अगर हम इस पर ध्यान दें कि ये अगर आप 10 लगाओगे तो आपको 1 इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा कितना 11। उसके बाद अगर आप इस पर ध्यान दो, अगर ये 4 है, अगर आप 4 लगाओगे तो आपको मिलेगा कितना 5। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाला कॉलम आपका प्रिंसिपल का है और ये वाला कॉलम आपका अमाउंट का है। अभी आप एक तो काम ये कर सकते हो, इसको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो और लिख लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो लिख लो, और इनके बीच में भी क्या आएगा, रेशियो आएगा। बट अगर आप रेशियो आएगा तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर, अगर उसमें से कुछ कैंसिल हो सकता हो तो आप इसको यहीं से काट दो। कैसे, 5 से इसको काटोगे तो कितना बनेगा 2, तो ये 4 2 8 और 8 8 64, ये आ गया 64, ये आ गया 11 9 99। अब ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस है, मतलब 99 और 64 का जो डिफरेंस है वो आपका आएगा 35, और यही 35 जो है ये आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वही इंटरेस्ट होता है। तो 35 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, और आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको दिया गया है 1750। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से मुझे पता चलता है कि 1 की वैल्यू कितनी है 50। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आपका प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपने क्या माना यहाँ पर 64, तो 64 × 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3200, और यही इस सवाल का क्या है जवाब है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें यहाँ पर इसको पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आप 8 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको 9 मिलेगा, अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको 11 मिलेगा, अगर आप 4 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको 5 मिलेगा। अगर इस 5 से इसको काट दें तो 8 2 16 और × 4 करेंगे तो 64 होगा, और यहाँ पर 99 होगा। इसका जो अंतर है वो है 35, जो कि आपको कितना दिया गया है 1750। यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी 50, आपको प्रिंसिपल निकालना था जिसको आपने 64 माना था, तो वो आ जाएगा आपका 3200, और यही इस सवाल का जवाब है। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि SI जो है 2 साल का वो 200 रुपये है और CI जो है 2 साल का वो 220 रुपये है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 साल का अगर आपको SI बोलता है 200 रुपये, यहाँ पर मतलब प्रिंसिपल सेम है, उसी सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल का सामान्य ब्याज SI 200 रुपये है, और उसी सेम प्रिंसिपल पर उसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवर्ती ब्याज जो है 2 साल का वो 220 है।
आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये सोचो कि अगर ये 200 है और ये 2 साल में मिला, इसका मतलब हर साल आपको कितना कितना मिला होगा, 100 रुपये। ये एक चीज़ आ गई। अब ये पूरा बॉक्स किसका है, सीआई का, और सीआई है कितना, 220। आपने कितना पुट कर दिया, 200, तो बचा कितना, 20। ये आ गया। अब 100 का यहाँ पर 20 आया, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है। नहीं तो आप लिख लीजिए कि 20/100 × 100, ये कितना हो जाएगा, 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 20%। और यही सवाल का क्या है जवाब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। इस सवाल में आपसे बोला गया है कि इफ़ सीआई फॉर सेकेंड ईयर इज 132 एट 10%, देन फाइंड द सम। सम का मतलब है प्रिंसिपल। तो आपसे बोल रहा है कि जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 132 रुपीज़ है, 2 साल का नहीं है, सेकेंड ईयर का है, दूसरे साल का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 10%। प्रिंसिपल आपको पूछ रहा है। तो आपने बोला भैया 2 साल की बात हो रही है, 2 साल का बॉक्स बना देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, मतलब 1/10 है। इसका मतलब अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मान लूँ, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। अच्छा, 100 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 10। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और इस 10 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 1। अच्छा, ये जो चीज़ है ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, जो कि आपके हिसाब से कितना है, 11। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि पेपर में हमें इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 132, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 12। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। और यही आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये आसान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल इसका और देखते हैं। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो सीआई है किसी धनराशि पर 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वो सेकेंड ईयर का 210 है। तो आपसे बोल रहा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। तो सेकेंड ईयर का, अब 5% का मतलब होता है 1/20। इसका मतलब ये 1 है, ये 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, ठीक है। अब आपने बोला सेकेंड ईयर का सीआई, और सेकेंड ईयर का सीआई आपके हिसाब से कितना है, 21। ये दोनों मिलाकर सेकेंड ईयर का सीआई है, जबकि एक्चुअली में वो है कितना, 210, मतलब 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स है, इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 की वैल्यू 10 है, तो 400 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 400 की वैल्यू कितनी होगी, 4000 होगी। और यही इस सवाल का क्या है, जवाब है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। अब इस सवाल में आपसे बोला गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी धन राशि पर, वो पहले साल का है 320 रुपये और दूसरे साल का है 336 रुपीज़, ठीक है। 336 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना है, 320, और दूसरे साल का कितना है, 336। आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और सम क्या है, ठीक है। अब इस सवाल को बताने के पहले मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए ये 100 रुपये हैं, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, ठीक है। 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो 100 का 10% कितना होगा, 10, और आपने इसको बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। अब आपने इसको फिर से 10% से बढ़ा दिया, 10% से फिर से बढ़ा दिया, तो फिर से कितना बढ़ जाएगा इसका, 11 बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 110 का 10% कितना होता है, 11, तो इसको 11 से बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121। अब मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल था, ये 1 साल बाद आपका अमाउंट हो गया, और ये 2 साल बाद आपका अमाउंट हो गया। अब आप देखिए कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 10 रुपये, और दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 11 रुपये। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि 10 से 11 में कितने प्रतिशत का चेंज आया। तो आप बोलेंगे 10% का। क्यों, क्योंकि 10 जो है वो 1 से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया मतलब 10 का 10% हमने बढ़ा दिया, तो वो क्या बन गया, 11। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर जो राशि बढ़ रही है वो भी कैसे बढ़ रही है, 10% से ही बढ़ रही है। इसका मतलब मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर सवाल में 10% बोला गया है, तो अगर आपका प्रिंसिपल हर साल 10% से बढ़ेगा, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी 10% से ही बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस सवाल में दो तरह के अप्रोच रख सकते हैं, ठीक है, दो तरह के अप्रोच रख सकते हैं। दो तरह के अप्रोच इसलिए रख सकते हैं क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट ईयर वाली बात बोली, तो ये वैसे भी एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। मगर ये बीच में अगर तीसरे और चौथे साल की बात होती, कि तीसरे साल और चौथे साल का इंटरेस्ट आपको पता है, तो भी आप ये लगा सकते थे जो मैंने आपको सिखाया। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये मान लीजिए प्रिंसिपल है, 1 साल के अंत में आपका अमाउंट इतना हो गया,
और इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिला वो मिला है 320 रुपये। ये आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 320 रुपये। फिर ये राशि हो गई A2, तो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 336। बात समझ में आ रही है? अब आपको ये समझना है कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में अंतर ये है कि ये है आपका 16। भाई 336 और 320 के बीच का अंतर कितना है, 16। तो आपको ये देखना है कि ये जो चीज़ है ये कितने से बड़ी है, आपको ये देखना है कि एक चीज़ कितने से बड़ी है। तो आप ये देखोगे कि भैया इनके बीच में ये जो है, ये 16 जो है, ये 320 का कितना है, इंटू 100 कर लो, ठीक है। तो अगर आप इसको 0 से काटो, ये 16 से इसको काटो 2, तो ये आपको 2 काट के 5% दे देगा। इसका मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? मगर एक चीज हमेशा याद रखिए कि यहां पर ये 2 साल का इंटरेस्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की। आप ध्यान से देखिए, यहां पर 336 जो है ये 2 साल का इंटरेस्ट नहीं है, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है। इसका मतलब यहां ये जो लिखा है ये गलत लिखा है मैंने। समझ में आ रहा है आपको? समझिए इसको फिर से। टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं, ठीक है। जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते पढ़ाते आपको इतना इन्वॉल्व कर लेंगे कि आप पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ। ये A1 है और ये A2 है। पहले साल का इंटरेस्ट बोल रहा है 320 है और दूसरे साल का इंटरेस्ट वो बोल रहा है 336 है। मुझे बस इतना सा बता दो कि ये कितने से बढ़ गया। आप बोलोगे सर 16 से बढ़ गया। अगर ये 16 से बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर उतने ही परसेंट से बढ़ रहा होगा जितने परसेंट से ये बढ़ रहा होगा। तो बस आप ये देख लो कि भैया 16 का चेंज आया 320 पर, इंटू ये 100 हो गया, ठीक है। 100 काटा, ये 2 से इसको काटेगा, 2 इसको 5 से काटेगा, कुल मिलाकर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5% हो गया, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% हो गया। अब आपका एक काम तो हो गया, अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। समझ में आ रहा है ना? अब मैं आपको एक तरीका इसका और बताता हूँ कि आप इसका प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते थे, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये एक लॉजिक बता दिया, ये वाला, ये आपको आना चाहिए, अच्छा तरीका ये भी। मगर इसके अलावा इसका एक और आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है इस सवाल में फर्स्ट ईयर का बोला है, तो ये सवाल थोड़ा सा आसान हो गया। अगर मैं आपसे बोलता कि तीसरे साल का और चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है और बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, तीसरे और चौथे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है उससे आपको पता चल जाएगा कि चेंज, परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो भी उसमें जो भी परसेंटेज चेंज होगा वही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका वो आपको शो करेगा उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर का जो CI है वो कितना है, 320। अब मैं आपसे बोलूँ कि फर्स्ट ईयर का CI बोलो या फर्स्ट ईयर का SI बोलो, वो तो सेम ही होता है ना। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट ईयर का CI या फर्स्ट ईयर का SI 320 है तो दूसरे साल का SI भी 320 होगा, ठीक है। दूसरे साल का SI भी 320 होगा। मगर आपसे बोल रहा है कि दूसरे साल का जो CI है वो 336 है, जबकि आप दूसरे साल के CI में 320 ऑलरेडी पुट कर चुके हो, तो बचा कितना, 16। अब आप ये देख लो कि ये जो 16 है ये 320 का कितना परसेंट है, ये जो 16 है ये इसका कितना परसेंट है, तो 1/20 आ गया। 1/20 इंटू 100 करोगे कितना आएगा, 5%। और यही इस सवाल का क्या आ गया, जवाब आ गया। अब आपको एक बात ये बताई थी कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का आपने 5% मतलब कि 1/20 निकाला होगा और वो कितना पुट कर दिया आपने, 320। तो आपने देखा कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6400। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि 16 में ऐसा क्या करें कि 320 बन जाए, इंटू 20, तो इसमें भी इंटू 20 कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 6400। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ आते हो, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि आप जब यहाँ से यहाँ आते हो तो 1/20 करके आते हो,
तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या करोगे, इंटू 20। तो जब इसमें इंटू 20 कर रहे हो तो इसमें भी इंटू 20 करोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है ना। 16 इंटू 20 करोगे 320, 320 इंटू 20 करोगे 6400, और यही आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अभी सवाल में आपसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल बताइए क्या होगा अगर टाइम 1 year 6 month है, मतलब कि 1.5 साल है, 1.5 years है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% दिया है और आपको CI दिया है 4590, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो 2 साल का तो हमने बॉक्स बना लिया क्योंकि 1.5 साल है तो 2 साल का बॉक्स बनेगा। 6% है, देखिए 6% का मतलब एक तो आप 6/100 लिख सकते हो, चाहो तो इसको 3/20 भी लिख सकते हो। जैसे ही आपने इसको 3/20 लिखा तो मैंने 20 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 400। मैंने मान लिया कि मेरा प्रिंसिपल कितना है 400, ठीक है। अब आपने क्या किया, 400 का 3/20 किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 का 3/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अच्छा, ये आपने बोला है यहाँ पर कि 1 साल 6 महीने होना चाहिए, मगर ये जो इंटरेस्ट है ये तो पूरे 2 साल का है, ये तो पूरे 2 साल का है। आपने, आपको तो इंटरेस्ट कितने का देना है, 1.5 साल का ही देना है। तो आपने क्या किया, पहले साल का इंटरेस्ट तो पूरा ले लिया, इसका आपने क्या ले लिया आधा, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 4.5, मतलब 34.5। इसका मतलब आपका टोटल जो CI आएगा वो 60+ यहाँ से 34.5 ही लेना है बस, तो 60+34.5 मतलब कि 94.5 ये आपको लेना है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पक्का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये आपको कितनी दी गई है 4590, ये आपको कितनी दी गई है 4590, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल आपने क्या माना है 400, तो आपने कहा कि भैया ये 400 इंटू 4590 अपॉन यहाँ पर कर दिया 945, ये 10 ऊपर ले गया, इसका एक जीरो ऊपर ले गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो कैलकुलेशन करना है आपको, तो यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सवाल में कुछ गलत है, ठीक है, 4590 जो है वो कुछ गलत है, हाँ इसमें ये 4590 नहीं होगा, ये होगा 9450, इसके जगह पर होगा 9450, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन यहाँ पर जो प्रिंटिंग मिस्टेक थी उसको सही कर लिया है, तो 9450 यहाँ लिखा 9450, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि इसका ये जो है ये 100 times है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 100 है, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 100 है तो मैंने इसको क्या माना है 400, तो 400 में आगे 2 0 और लगा दूँ तो ये कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो ये इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है 40,000, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक थी वो ये थी कि CI जो था वो हमें गलत वैल्यू दी गई थी, वो 9450 होगा, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन हम अगर हम सही कर रहे हैं, देखो अगर हमारा तरीका सही है तो हम बता सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत था या सही था, क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर 94.5 है तो यहाँ पर जो भी होगा वो उसका मल्टीपल ही होगा, साफ साफ दिखना चाहिए। तो हमने देखा कि यार यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ लिखा था 4590 था, तो हमें लगा कि अच्छा ये उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है थोड़ा सा, ठीक है ना, पोजीशन थोड़ी सी इनकी चेंज हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब आपके पास ये सवाल आ गया, आपसे क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, टाइम अगर 3 साल है और पहले साल का इंटरेस्ट 5%, दूसरे साल का 4%, तीसरे साल का 3%, और आपको जो CI मिलेगा वो मिलेगा 12476, आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने इसको बॉक्स ऐसे बनाया, ठीक है, ये आपने बॉक्स बना दिया, अब आपने बोला सर प्रिंसिपल तो मुझे मालूम नहीं है, तो प्रिंसिपल अज्यूम कर लीजिए, तो प्रिंसिपल अगर अज्यूम कर लें तो ये कितना हो जाएगा 100, ये आपने माना है, ठीक है। इसका 5% पुट करेंगे तो कितना पुट करेंगे 5, फिर 4, फिर 3, अब यहाँ पर आएगा,
अच्छा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर इस बॉक्स में जो भी जाना था 5% जाना था, इसमें जो भी जाएगा वो 4% जाएगा, और यहाँ पर जो भी जाएगा वो 3% जाएगा। अब इस 5 का 4% जाएगा, मतलब 5 × 4 = 20/100, मतलब 0.20, ये हो गया। यहाँ जो जाएगा वो इन दोनों का 3% जाएगा, मतलब 9 का 3%, मतलब 0.27, ठीक है। 9 का 3% मतलब 9 × 3 27/100, 0.27। यहाँ जो जाएगा वो 0.20 का 3% जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 3% जाएगा। तो यहाँ पर 0.20 × 3 करेंगे कितना होगा 0.60/100, तो ये हो जाएगा 0.006, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अब आप इसको जोड़ लीजिए, क्योंकि ये इस बॉक्स के अंदर जो भी है वो क्या है आपका CI, बट आपका CI तो दिया हुआ है 12476, इसको जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 0.47, और ये कितना हो जाएगा 6। अब आपके हिसाब से जो आपका CI आ रहा है वो आ रहा है 12.476, जबकि वो दिया कितना है, वो दिया है 12476, मतलब कि एक की वैल्यू जो है वो 1000। अगर एक की वैल्यू 1000 है तो आपने प्रिंसिपल कितना माना है 100, तो 100 के आगे क्या लगा दीजिए 30, तो यही इस सवाल का क्या है जवाब है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा कुछ बच्चे को ये डाउट होता है कि सर आपने बोला था कि जब प्रिंसिपल नहीं देगा तो आप बॉक्स बनाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से, बट वहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक दिया है ना भाई, जैसे ये 5% है तो 5 का मतलब हो गया 1/20, तो इसका एक जाएगा यहाँ पर, 20 जाएगा यहाँ पर, फिर इसका क्या करोगे 4% और 3% की वैल्यू को क्या करोगे। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के अंदर कि इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। तो आप यहाँ पर इस टाइप के सवालों में आप प्रिंसिपल अज्यूम कर लो, और जो जो बोला है जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कर लो। अच्छा उसके बाद फिर कुछ बच्चों को लगता है कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल करवाया था जिसमें आपने कहा था कि 12.5% है मतलब कि 1/8, फिर 10% है मतलब कि 1/10, और फिर 25% है मतलब कि 1/4। तो आपने बोला कि 8 का 9 मिलेगा, 10 का 11 मिलेगा, 4 का 5 मिलेगा, आपने वो इस तरीके से क्यों नहीं किया इस सवाल को। तो आप ये बोलो कि बेटा ये सोचो कि ये 5% है, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, मतलब 20 लगाओगे तो आपको 21 मिलेगा। फिर 4% है, ठीक है, 4% है, 4% का मतलब होता है 1/25, मतलब आप 25 लगाओगे तो आपको 26 मिलेगा। फिर 3% है, अब 3% तो 100 नहीं होगा, तो 3/100 ही होगा, इसका मतलब अगर आप 100 लगाओगे तो आपको 103 मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपको प्रिंसिपल की वैल्यू देगा, ये आपको अमाउंट की, इसका डिफरेंस आएगा CI, ये CI जो है ये आपको 12476 दिया। तो ये जो इस मेथड से अगर आपने इस सवाल को किया तो ये आपके लिए लेंथी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वैल्यू हमेशा देख कर आपको डिसाइड करना है कि कौन से मेथड से आपको ईजी पड़ेगा सवाल, क्योंकि पेपर में आपको सवाल जल्दी जल्दी करना है। ये सारे काम हम जो यहाँ पर करते हैं, सारे टूल्स जो हम सीख रहे हैं कि कब हमें किस तरह से सोचना है, किस तरह से डील करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ये तभी आपके अंदर आ पाएगा जब आप प्रैक्टिस अच्छी से करोगे और समझ कर करोगे, है ना। हर मेथड आपको आना चाहिए, हर तरीका आपको आना चाहिए, जिससे कि आप पेपर के टाइम एक ही बार में सही डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो हमने इस सवाल में क्या किया, हमने प्रिंसिपल मान लिया, फिर 5%, 4%, 3% उसका निकाला और बॉक्स फिलअप कर दिया। बॉक्स का टोटल जो है वो एक्चुअल नहीं है, वो माना हुआ है। अब माने हुए की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी, वहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल करते हैं। चलिए अब जो सवाल हम करने वाले हैं वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाले सवाल करेंगे। इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं किताब में, अलग अलग तरह के अप्रोच आपने सीखे हैं। हम अभी तक जो पढ़ा हुआ है हम उसी को अप्लाई करेंगे, बस एक जो चीज़ हमने बचपन में सीखी हुई थी उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। क्या, कि हमने ये सीखा था कि जब भी क्वार्टरली बोलता है, क्वार्टरली को हिंदी में बोलते हैं तिमाही, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, चार, चार मतलब चार से आपको खेलना है। कितने क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, मतलब एक पूरे साल का 1/4 मैं बोल रहा हूँ, तो 4 क्वार्टर होते हैं। 3-3 महीने को अगर आप करोगे तो 3-3 के 4 ग्रुप बनेंगे 12 महीने के टोटल साल भर में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर 4 के साथ में खेलना है। अब 4 के साथ में खेलने का मतलब ये है कि एक तो आपका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है आपका टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको 4 से डिवाइड करना है, टाइम को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है।
अगर ये क्वार्टर की जगह हाफ ईयरली हो जाए, हाफ ईयरली, तो कितने हाफ ईयर होते हैं एक साल में? दो होते हैं। तो आपको खेलना किसके साथ है? दो के साथ। तो एक तो होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होगा आपका टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को दो से डिवाइड कर दो, टाइम को आप दो से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि ये कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली में क्वार्टर का मतलब चार और हाफ का मतलब दो, ऐसा दिमाग में आपके चलना चाहिए कि क्वार्टर मतलब चार के साथ खेलना है, हाफ ईयरली का मतलब हाफ मतलब दो के साथ खेलना है। अब यहाँ पर खेलना कैसे है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको चार से डिवाइड करना है और टाइम को चार से मल्टीप्लाई करना है। टाइम के केस में मल्टीप्लाई होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में डिवाइड होगा। यहाँ पर आपको दो के साथ में खेलना है हाफ ईयरली में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को दो से डिवाइड करना है, टाइम को अपने को दो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतनी सी बात आपके जहन में, आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो अब ये सवाल जो है ये जब मॉडिफाई हो जाएगा इतना करने के बाद, फिर जैसा आपको बोला गया है वैसा कर दो, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा, फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। ठीक है, बस ये चेंजेस आप कर दीजिए। तो हमने बोला कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% नहीं है, वो चार से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 5%। और हमारा जो टाइम है वो 9 महीने नहीं है, वो हो जाएगा 36 मंथ। अगर वो 36 मंथ हो जाएगा तो हम उसको 3 साल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब आप 3 साल का बॉक्स बना लो, अब आप 3 साल का बॉक्स बना लो। अब 3 साल का बॉक्स बना लिया, ये आपके पास कितना है? 10,000 है। 10,000 का 5% आपको निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? 500। ये हो गया 500, ये हो गया 500, और ये भी हो गया 500। अब 500 का फिर यहाँ पर आएगा कितना? 5%। ठीक है, 500 का यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5%। तो ये कितना हो जाएगा? 25। अगर ये 25 है तो ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 25 का 5%। तो आप ये बोलो भैया 25 है और 5% का मतलब 5/100 ले लो, तो ये हो जाएगा 125/100। 125/100 ये कितना हो जाएगा? 1.25। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है वो आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको जोड़ लो, तो ये आ जाएगा 1575 रुपये, 176 रुपये, मतलब 1576.25। ये आपका क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। बट आपसे पूछा था कि अमाउंट बताओ क्या होगा, तो अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस CI। तो इसी में आपको प्रिंसिपल जोड़ना है, जो कि कितना था? 10,000। तो ये हो जाएगा आपका 1576.25, और यही इस सवाल का क्या है? जवाब है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर एक ही चीज़ थी कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली। क्वार्टरली के केस में आपको चार के साथ खेलना है, हाफ ईयरली के केस में आपको दो के साथ खेलना है। टाइम को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको डिवाइड करना होता है। टाइम के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपको डिवाइड करना होता है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए अब हाफ ईयरली के ऊपर एक सवाल करके देखते हैं। यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया आपको? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया आपको? 20%। और हाफ ईयरली है और 2 साल बोल रहा है। अब जैसे उसने 2 साल बोला और हाफ ईयरली मैंने सुना, तो मैं टाइम को क्या कर दूंगा? उसका डबल कर दूंगा, मतलब मैं यूज़ करूंगा 4 ईयर्स। एक चीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दूंगा? आधा, मतलब कितना कर दूंगा? 10%। बात समझ में आ रही है आपको? और ये हो गया प्रिंसिपल। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। 4 साल का आप बॉक्स बना लो, 4 साल का आप बॉक्स बना लो। तो कैसे बनाएंगे 4 साल का बॉक्स? ये बन गया आपका 4 साल का बॉक्स। ठीक है, अच्छा अब इसको पुट करना है अपने को। तो ये 10,000 है, 10,000 का 10% निकालते जाइए, तो ये कितना होगा? 1,000, 1,000, 1,000, 1,000। ये कितना होगा? 100, 200, 300। ये कितना हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1। बस ख़त्म। आपको अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है मतलब 10,000 में ये इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो है ये 4,000 है, ये 600 है, ये 40 है, और ये 1 हो गया। तो 4,641 रुपये ये आपका इंटरेस्ट हो गया, और अमाउंट जो है उसमें आपको 10,000 और जोड़ दीजिए, तो 14641। ये आपका क्या है? आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? पक्का? अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको समझ में आनी चाहिए, वो अभी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम आपके पास में 2 साल है, अब मुझे बस इतना सा बता दो कि आप मुझे कितना प्रतिशत ब्याज दे दोगे 2 साल में। मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि ब्याज कितना दोगे, मगर प्रतिशत में बताना है आपको। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये लगाते हैं।
तो उसके हिसाब से क्या बोलेंगे, 10% प्लस 10%, फिर 10 × 10 अपॉन यहाँ पर 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ से आएगा 1 तो ये हो जाएगा 21%। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि सर 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब अगर आप 10 लगाओगे तो आपको 11 मिलेगा, 10 लगाओगे तो आपको 11 मिलेगा, 2 साल था तो 2 बार लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 21। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, इसका डिफरेंस कितना आएगा 21, और यही आपका क्या है CI। मैंने कहा ये भी सही है, ठीक है। एक और जो तरीका है वो क्या है इसका, वो देख लेते हैं कि ये बॉक्स बनाया आपने, ठीक है, ये बॉक्स बनाया। अब आपने मान लिया कि आपका प्रिंसिपल जो भी है, ठीक है, अगर आपको 10% मिलेगा तो यहाँ आपने यहाँ पर क्या लिख दिया 10, यहाँ पर क्या लिख दिया 10, 10 का 10% कितना हो गया 1, इसको जोड़ लीजिए कितना मिलेगा आपको 21। तो ये भी एक तरीका है ये निकालने का। मैं ये तरीका इसलिए अपनाता नहीं हूँ क्योंकि ये तो आपको बिना लिखे भी मन में आप सोच सकते हो, मगर जब 3 वैल्यूज आ जाती हैं तो ये फेल हो जाता है, ठीक है। बट ये 3 वैल्यू हो 4 वैल्यू हो 5 वैल्यू हो आप हमेशा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, और ये भी लगा सकते हो आप कैसे, जैसे कि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि टाइम 3 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, ठीक है, तो बताइए आप मुझे 3 साल में कितना ब्याज दे देंगे 10% के हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 साल के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मैं कैसे करता, मैं करता भैया ये 10% में दूंगा पहले साल, दूसरे साल भी 10% दूंगा, तीसरे साल भी 10% दूंगा। ये क्या दिया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट, इसका 10% मतलब कि 1, इधर 10% मतलब कि 2, इधर 10% मतलब कि 0.1, तो ये हो गया 33.1। तो मैंने आपको 33.1% दे दिया। दूसरा तरीका इसका ये था कि 10 का आप 11 दोगे, मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 331, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 331, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गई, आउट ऑफ कितना 1000, तो कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिला, 1212, तो ये हो जाएगा आपका 33.1। ये आपका आंसर आ गया। तो बॉक्स से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आपसे सिर्फ पूछें कि सिर्फ इंटरेस्ट ही बता दो कितना होगा। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आप बिना बॉक्स बनाए, जैसे आप बॉक्स में वैल्यू पुट करते हो ना, वो ना करके सिर्फ इस नॉलेज से भी आप सवाल का जवाब दे सकते हो। कैसे दोगे वो मैं आपको भी बताऊँगा। एक चीज़ और देख लेते हैं, मान लीजिए टाइम अगर 4 साल का आ जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, तो मुझे बताइए 4 साल में आप मुझे कितना ब्याज दे दोगे। तो आपने बोला सर ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसा देख लेते हैं। तो ये 10 मैं यहाँ दूंगा, 10 यहाँ दूंगा, 10 यहाँ दूंगा, 10 यहाँ दूंगा, यहाँ दूंगा 1, ये 2, ये 3, यहाँ दूंगा 0.1, यहाँ दूंगा 0.3, और यहाँ पर दूंगा 0.01। तो ये हो गया 40, ये हो गया आपका 46, तो 46.41 ये आप मुझे ब्याज दोगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन सब चीज़ों को बताने का लॉजिक क्या था, कारण क्या था, वो मैं आपको बता दूँ। आपको कुछ वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और टाइम अगर 2 साल हो तो जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो 21% बनता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और टाइम अगर 3 साल हो तो जो CI बनता है वो आपका बनता है 33.1%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, टाइम अगर 4 साल हो, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 46.41%। अब ये कुछ वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं तो आप कुछ सवालों का जवाब बहुत जल्दी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, क्योंकि इसी सवाल में आपसे बोल रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना था, 20% था, ठीक है। अभी जो आपने सवाल किया, अगर ये हाफ ईयरली है, ये कितना है, हाफ ईयरली है, और टाइम जो है वो आपका कितना था, 2 साल था, ठीक है, टाइम आपका कितना था, 2 साल था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और प्रिंसिपल जो था वो कितना था, 10,000 था। आपसे पूछ रहा था कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ये आपसे पूछ रहा था। तो मैंने आपसे बोला कि जब हाफ ईयरली होगा तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लोगे, 10%। तो आप ये 20 की जगह आप क्या लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, प्रिंसिपल क्या लोगे, 10,000।
टाइम 2 साल की जगह कितना लोगे? 4 साल। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 4 साल में 10% के हिसाब से आप मुझे कितना इंटरेस्ट दोगे? आप बोलोगे सर 46.41 दूंगा मैं आपको। तो 46.41 किसका? 10,000 का। तो अगर 46.41 में 10,000 का निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 4641 इंटरेस्ट आएगा। और ये जो 4641 है ये इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना होगा? 10,000 प्लस 4641 मतलब कि 14641। तो अभी जो आपने सवाल किया उस सवाल का जवाब आप ओरली भी दे सकते थे, ठीक है? जो मैंने अभी पुट किया ना कि यहाँ पर हज़ार 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 है ना, तो ऐसा ना करके आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि सीधी सीधी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है? चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आपने जो CI अर्न किया है इन 3 ईयर्स वो कितना है? 2000। एंड CI अर्न इन 4 ईयर्स इस कितना? 2200। आपसे बोल रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ठीक है? आपसे क्या बोल रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो मैंने अभी आपसे ये बोला कि अगर आपका CI जो है वो 3 साल में 2000 हो गया, ठीक है, और 4 साल में कितना हो गया? 2200 हो गया। तो आपका ये जो बढ़ेगा ये भी उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ेगा जितना कि आपका प्रिंसिपल बढ़ रहा था। तो ये अगर आपका 2000 है, ये आपका अगर 2200 है, तो अंतर कितना है? 200 का। 200 का अंतर कितने पे आया? 2000 पे। तो ये आपको दिख रहा है कि ये 1/10 है। अगर ये 1/10 है इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10% होगा। और यही इस सवाल का क्या है? जवाब है, ठीक है? तो बहुत ही आसान सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस सवाल में बोला गया है कि जो आपका 4 साल का 7% पर एनम के हिसाब से किसी धन राशि पर जो सामान्य ब्याज बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है, वो बनता है 3584। तो बताइए उसी सेम प्रिंसिपल पर, उसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल पता है तो उसका 2 साल का 4% के हिसाब से हम CI निकाल सकते हैं। बट हमें यह मालूम है कि भैया मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3584, और वो भी कितना? 4 साल का। वो भी कितना? 4 साल का। तो मैंने ये देखा कि ये 7% है। अगर ये 7% है तो 7% के हिसाब से मुझे हर साल 7% ब्याज मिलना चाहिए। तो इन 4 साल में मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 28%। और अगर ये 28% मुझे ब्याज मिल गया, ठीक है, तो यही 28% जो है ये 3584 के बराबर है। यही जो है किसके बराबर है? 3584 के बराबर है। अब मुझे चाहिए प्रिंसिपल, तो मैंने कहा भैया ये जो है ये 100% है। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100 × 3584/28। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 128,000। और यही आपका क्या है? प्रिंसिपल है। अब अगर ये प्रिंसिपल है, ध्यान से देखेंगे तो 2 साल का, 2 साल बोल रहा है यहाँ पर, तो 2 साल जब यहाँ पर बोल रहा है तो 2 साल का बॉक्स बनाएंगे। और 12,800 का इस बार क्या करना है मुझे? 4% लेना है। तो इसका अगर मैंने 4% ले लिया, समझ में आ रहा है आपको, इसका मैंने 4% ले लिया, तो आप इसका 4% निकालोगे तो कितना आएगा? 512। अगर ये 512 है तो ये भी 512 होगा, ठीक है? अब ये 512 आ गया, इस 512 का आपको क्या निकालना है? फिर से 4% निकालना है। तो ये आपको कितना देगा? 20.48, ठीक है? जैसे देखिए 128,000 था, इसका आपको क्या निकालना था? 4%। तो ये 10101010 128 × 4 करेंगे कितना आएगा? 512। ये 512 आ गया। अब 512 का फिर से 4% निकालेंगे, ठीक है? तो ये 48 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, और अपॉन 100 है तो 20.48 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 1024। और 1024 में 20 जोड़ेंगे तो 1044, तो 1044.48 हो गया। और यही आपका क्या है? इंटरेस्ट है। और यही इस सवाल का क्या है? जवाब है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। चलिए अब ये सवाल देखते हैं। ये सवाल कराने का रीज़न ये था कि इसको आपको दो तरीके से बताना था, जो दोनों तरीके मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो कैसे इस सवाल को करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं। आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास ये 20,000 रुपये हैं, ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है? 3 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है वो अलग अलग साल अलग अलग लग रहा है, जो कि फर्स्ट ईयर लग रहा है 10%, दूसरे साल 20% और थर्ड
तीसरे साल 30%, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर, ऐसा बोल दिया इन्होंने। आपसे बोला वॉट इज़ द टोटल अमाउंट टू बी एट द एंड, ठीक है, मतलब आपको अमाउंट बताना है, ठीक है। अब आप इसको कैसे कैसे कर सकते थे, एक तरीका ये कि भैया 10% का मतलब होता है एक बटे दस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 लगाएंगे तो आपको 11 मिलेगा, ठीक है। दूसरा 20% जो होता है उसका मतलब होता है 1/5, मतलब अगर आप 5 लगाएंगे तो आपको 6 मिलेगा। 30% का मतलब होता है 3/10, इसका मतलब अगर आप 10 लगाएंगे तो आपको 13 मिलेगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, अब आप क्या करो कि भैया इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 78 होगा, 78 × 11 करना है तो ये 8 होगा, ये 5 होगा और ये 8 होगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये आपको शो कर रहा है कि आपका प्रिंसिपल है, और ये जो चीज़ है ये आपको शो कर रहा है कि आपका अमाउंट है, जबकि आपको यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 20,000। तो हम इसको 20,000 बनाने के लिए क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, और ये 3 0 लग गए। इसका मतलब अगर आपने यहाँ 40 किया तो यहाँ भी 40 करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पर करोगे तो सॉल्व करने पे ये कितना मिलेगा 34320, और यही आपका क्या है अमाउंट है जो कि आपसे मांगा जा रहा था, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता था, दूसरा इसका तरीका ये था कि आप बॉक्स बना लेते, ठीक है, कि एक बच्चा बोलेगा सर इसका बॉक्स बना के भी कर सकते हैं क्या, तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि ये आपने बॉक्स बना लिया, तो आपने कहा सर ये 20,000 रुपये है, 20,000 का 10% कितना होगा 2,000, फिर 20,000 का 20% कितना होगा 4,000, और ये कितना हो जाएगा 6,000, 20% का यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा 20% आएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400, यहाँ जो आएगा ये 6,000 का कितना आएगा 30% आएगा, तो 6,000 का 30%, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1,800, यहाँ जो आएगा ये 400 का कितना आएगा 30%, ठीक है, तो ये आ जाएगा 120, ठीक है ना। अब आप इसको जोड़ लो तो ये हो गया आपका 6,000, 4, 10 और 2, 12,000, 12,000 और ये हो गया आपका 2,220, तो इसको जोड़ लेंगे 2,320, ये हो गया 0, 2, 3 और 14, बट आपसे अमाउंट पूछा था तो इसमें आप 20,000 रुपये और जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 0, 2, 3, 4, 3, तो आप ऐसे भी सवाल कर सकते थे, ठीक है ना। तो दोनों तरीके आपके लिए ठीक है, बट इस केस में ये आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट दे देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं।